नंबर वन ये कि जब भी आपने खातून को ये चाहिए कि आपको एक मेंटल प्रिपरेशन करनी होगी कि भाई आज मुझे हस्बैंड को टाइम देना है, आज मेरा हस्बैंड और वाइफ का हमारा स्पेशल टाइम है, आप अपना जो है खाना घर का एक दिन पहले बना लें या दो दिन पहले बना लें, या ये नहीं हो सकता कि आप लहसुन अदरक प्याज की जो स्मेल है उसमें से खाना बनाती हुई रोटियां पकाती हुई आपने एकदम से जाके आप मियाँ के पास बैठ गई, बिकॉज यू नो देर आर लॉट ऑफ सेंसरी स्टिमुलस होती है कि आपकी जो है वो बीवी जो है वो प्रॉपरली आपका कमरा साफ हो, खातून जो है जो वाइफ है उन्होंने प्रॉपरली शावर लिया हुआ हो, उनकी कोई अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ हो, आपकी वैक्सिंग हुई हुई हो या आपने जो लेजर करवानी है बॉडी की वो हुई हुई हो। मैं ये नहीं सजेस्ट करती कि आप कोई बहुत एक्सपेंसिव नाइट वेयर्स खरीदें या बहुत एक्सपेंसिव विक्टोरिया सीक्रेट की क्रीम्स या बॉडी लोशन खरीदें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अगर आपकी बॉडी साफ है, आप वैक्स करवाती हैं महीने में एक दफा, आप घर में अपने वॉशरूम में बॉडी पॉलिशर और बॉडी स्क्रबर हर हफ्ते करें। बॉडी पॉलिशर की भी स्पेशल रेसिपी या जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं हमने वो वीडियो बनाकर लगाई है और वो वीडियो हमारी टिकटॉक पर बहुत वायरल भी हुई है और मैंने सोचा कि उस पर मैं थोड़ी सी डिटेल में एक दफा फिर वीडियो बना दूं इंग्रेडिएंट्स रख के, बिकॉज बॉडी पॉलिशर्स जो हैं वो पार्लर्स जो होते हैं वो 8,000 से 10,000 15,000 चार्ज कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका एरिया, तो काफी महंगा पड़ जाता है हाउसवाइफ्स के लिए। तो इट्स बेटर कि आप घर में अपने कमरे में बाथरूम में खुद कर लें। अच्छा, बॉडी स्क्रबर जो है उसकी भी हमने रेसिपी बताई है और वो आप घर में घर के इंग्रेडिएंट से हमने बनाना सिखाया है आपको बॉडी स्क्रबर, वो आपने हर दफा नहाते हुए उससे आपने अपनी टमी को, लेग्स को, अंडर लेग्स को, अंडर आर्म्स को, बाजुओं को, हिप्स को, थाइस को आपने स्क्रब करना है, जिसकी वजह से हर दफा यूं करने से आपके स्ट्रेच मार्क्स भी कम होते जाएंगे, सेलुलाइट कम होता जाएगा और आपकी स्किन की अपीयरेंस जो है वो बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। नंबर 3-4 ये है कि आपने अब शावर लिया हुआ है, आपकी स्किन साफ है, आपने बॉडी पॉलिशर किया हुआ है, बॉडी स्क्रब किया हुआ है आपने, सो अपना जो खाना पीना कपड़े धोने थे वो सारे बड़े काम आपने एक दो दिन पहले ख़त्म किए ताकि द डे यू वांट टू गिव टाइम टू यू एंड योर हस्बैंड, वो जो पर्टिकुलर दिन है उस दिन आप सुबह से शाम तक कामों में एग्जॉस्टेड और थकी हुई ना हो। यूजुअली हस्बैंड्स की जो ये कंप्लेन होती है उसकी वजह यही होती है कि खवातीन सुबह से शाम तक इन लॉज के लिए खाने बना रही हैं, कभी किसी के खाने का टाइम है, कभी मेहमान आ गए, बच्चे की ट्यूशन का टाइम है, किसी का लंच का टाइम है, किसी के कपड़े इस्त्री किए हुए देने हैं, कमरों की सफाई है। तो मेरा ख़वातीन से ये रिक्वेस्ट है कि ये उनका मजहबी फरीज़ा बनता है कि वो अपने हस्बैंड को प्रॉपर टाइम दें घर की मसरूफियात में, कपड़े धोने में, सफाइयाँ, ट्यूशन, मेहमानदारियाँ, शादियों की तैयारियाँ, इसके अंदर आप अपने हस्बैंड को निगलेक्ट करेंगी तो इन द लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम में आपको आने वाले कुछ सालों में इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो हस्बैंड यूजुअली कंप्लेन नहीं करते, यूजुअली बोलते नहीं हैं और फिर ऐसे नतायज निकलते हैं जिससे फिर खवातीन बहुत परेशान होती हैं और फिर हमारे पास जब आती हैं तब इट इज़ टू लेट। तो पहले से आप हफ्ते में एक या दो दिन, जिन दिनों में आपको पता हो कि मेरे मियाँ की छुट्टी है वो भी कम्फर्टेबल होंगे, आप एक दूसरे के लिए टाइम निकालना शुरू करें। उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्केड्यूल आपने दरवाजे के ऊपर लिख के लगा दिया कि जी ये शेड्यूल है और मेन्यू के ऊपर जी ये 3 घंटे हमारे होंगे। हस्बैंड को खुद ही पता चल जाता है कि यार बीवी जो है उसने कमरा साफ किया हुआ है, उसने आप पहले से बता दें कि शाम को हम इकट्ठे एक मूवी देखेंगे बैठ के जब बच्चे सो जाएंगे। और मसला ये नहीं होता कि आप मूवी नहीं देख सकते इकट्ठे बैठ के, मसला ये होता है कि बाय द टाइम मूवी देखते हैं आप मूवी देखती हुई सो चुकी होती हैं, आप इतनी थकी हुई होती हैं। तो अगर आपने दो दिन पहले खाना बनाया हुआ है, आपने सालन बनाए हुए थे, अब सुबह से आपने दोपहर में थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ कैलूला ले लिया ताकि आप थोड़ी सी मियाँ को टाइम देने के उनसे कोई बातचीत करने के काबिल हो। सो द एक्ट ऑफ इंटीमेसी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ शुड नॉट बी लाइक दिस कि आपने लाइट ऑफ की और एक एक्ट हुआ और उसके बाद आप दोनों सो गए। और इसी वजह से 90% ऑफ द टाइम इसी वजह से वुमेन जो हैं दे आर अनेबल टू अचीव देयर ऑर्गेज्म एंड इसी वजह से मेन जो हैं दे डोंट फील सेटिस्फाइड एंड दे डोंट गेट देयर ऑर्गेज्म प्रॉपरली
और फिर वो जो डिससेटिस्फेक्शन होती है वो डिफरेंट तरीके से फिर उनके रिलेशनशिप को खराब कर रही होती है। तो अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि बीवी कहे कि अच्छा मैं रात को 9 बजे आऊंगी, तुम रेडी रहना। दिस इज अ वेरी ऑकवर्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग, क्योंकि जब हम हस्बैंड वाइफ को इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं और इस इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान हम जब भी कहते हैं कि आपने इन पीरियड्स के इन डेज के दरमियान में मिलना है आपस में, तो बेचारे जो खामद होते हैं वो इतने कहते हैं डॉक्टर साहब दिस इज सच अ पेन कि आप लोग एक पनिशमेंट की तरह हमें कहते हैं कि जी इस डे को आपने मिलना है, इस डे को मिलना है। अगर आपका मूड हो भी तो यू फील लाइक कि यार किसी ने हमें गन पॉइंट के ऊपर बिठा दिया है और अब हमें ये करना है। एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग लव इट एंड्स अप इनटू अ डिसिप्लिन ड्यूटी और समथिंग लाइक दैट के जी बस अब तो ये करना ही करना है, और अगर आपका दिल कर भी रहा हो तो दिल नहीं करता। तो ये सारे फैक्टर्स खवातीन को समझने चाहिए और मर्दों को भी समझने चाहिए कि ओवर स्टिमुलेशन से या ओवरली किसी चीज को डिफरेंट तरीकों से प्रेशराइज करने से आप ऑर्गेज्म अचीव नहीं कर सकते। ऑर्गेज्म इज अ वेरी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। यू फील दैट जॉय of being in emotionally involved with someone. तो उसमें आप चूंकि हस्बैंड वाइफ हैं, 90% हमारे यहाँ शादियाँ अरेंज होती हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा टाइम दें, आप वाइफ जो हैं उन्होंने अच्छा परफ्यूम लगाया है, अच्छी बॉडी क्रीम लगाई है, when she is presentable herself, जब वो खुद अपने आप को कॉन्फिडेंट और प्रेजेंटेबल फील करती हैं, तो फिर वो नाइटी पहनने में या हस्बैंड के पास लाइट थोड़ी सी ऑन करके लैंप ऑन करके बैठने में प्रॉब्लम नहीं फील करती हैं। लेकिन जब आपने खुद शावर भी नहीं लिया हुआ, आपने कई कई छः छः महीने वैक्सिंग नहीं करानी है, आपने अपना ख्याल नहीं करना है, तो फिर जाहिर है आपने शोर डाल देना है जी लाइट बंद कर दे। और उस बात पर मियाँ जो है वो बहुत चढ़ जाते हैं कि यार फिर शादी क्यों की थी, फिर मैंने शादी क्यों की थी अगर यही कुछ होना था मेरे साथ तो। एंड देन हस्बैंड्स की बहुत बड़ी ये बात होती है कि डॉक्टर साहब हमने तो कुछ देखा नहीं, बीवी जो है वो हनीमून में प्रेग्नेंट हो गई, तब से तो हम उल्टियां देख रहे हैं, अस्पताल देख रहे हैं, फिर बच्चे आ गए, फिर तब से तो हमें बीवी मिली नहीं, बच्चों के पास ही होती हैं ये, अब तो बस रहने ही दें आप। तो ये सारी बातें ओवर द पीरियड ऑफ 15 इयर्स जब आप सुनते रहते हैं, तो एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, एज अ हीलर, एज अ पर्सन जो अपने पेशेंट्स की बहुत भलाई चाहता है, इंसान सोचता है कि ये बातें कोई भी नहीं कर रहा, करनी तो पड़ेंगी किसी को, और अगर मैं ये बातें कर देती हूँ तो मुझे नहीं पता लोग मुझे क्या समझेंगे। बट बहुत सारे घर बच सकते हैं, बहुत सारे घरों में जो ख्वातीन बेचारी गुम हो जाती हैं, लाइक सुबह के पराठे, फिर दोपहर की हांडी, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना, फिर साथ मेहमानदारियाँ, एक इस किस्म की लंबी ड्यूटी औरतों के जिम्मे के जो ख़त्म नहीं होती है, और जब तक वो बिस्तर पे पहुँचती हैं तब तक वो बेचारी फलूदा बन चुकी होती हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड हलाल का रिस्क कमाना भी बड़ा मुश्किल है, और हलाल का रिस्क घर लेके आना और फिर हलाल के ताल्लुकात से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, ये भी एक पूरा जहाद और इबादत है। तो मकसद टोटल इस वीडियो का ये है कि जो भी हमारे बहन भाई हैं, जो हमारी ख्वातीन देख रही हैं, जो 80-90% हमारी पॉपुलेशन है वो ऐसे लोगों की है जो अपने मींस को बड़ा मुश्किल से दोनों एंड से मीट कर रहे होते हैं और हलाल रिस्क कमाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरी ख्वातीन से ये रिक्वेस्ट है कि घरों के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। यकीन करें अगर आपने घरों का काम खुद नहीं छोड़ा तो आपको ये घर के काम सोने भी नहीं दें। आपको एक हफ्ते में एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा कि दिस इज़ द टाइम फॉर माय हस्बैंड, और मैंने एक दिन पहले अगर सैटरडे को उनकी छुट्टी है तो उनके, देखें संडे की छुट्टी जो होती है वो तो सब्जी मंडी, फ्रूट, ग्रोसरी इन्हीं चक्रों में गुजर जाती है, तो सैटरडे की अगर छुट्टी है या कोई वैसे हॉलीडे आ रही है, आप उससे पहले प्रॉपरली अपना प्लान करें, अपने खाने बना के रखें, अपनी लॉन्ड्री कर लें, कमरे में थोड़े से फूल रखना और बेडशीट चेंज करना, कमरे को साफ करना, खुद अपनी बॉडी को नीट करना, मियाँ को एक छोटा सा मैसेज दे देना कि जी मैं कल जो है हम दोनों इकट्ठे एक मूवी देखेंगे कमरे में बैठ के, चाहे लैपटॉप पे देख लें, फ़ोन पे देख लें, डजंट मैटर, द होल पॉइंट इज दिस कि आप एक दूसरे को इकट्ठे बैठ के टाइम दें। एंड वो जो टाइम आप क्लोजनेस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, कोई बातचीत करते हैं, कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है,
कोशिश करें कि अपने अपने इन लॉज की बातें ना करें, रिश्तेदारों की बातें ना करें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किसी ना किसी लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे फौरी तौर पे। सो ट्राई टू अवॉइड वो टॉपिक्स जिन पे लड़ाई हो, दिस इज़ कॉल्ड टैक्टिक्स। और अपने मियाँ के दरमियान जब आप अच्छी मेमोरीज बिल्ड करना शुरू करेंगी, जैसे आपका हनीमून का फेज था, जैसे आपका मंगनी का फेज था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छी मेमोरीज डेवलप करना सिर्फ खातून की ड्यूटी है, मैं दोनों की ड्यूटी की बात कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिन लोगों ने तहैया ही कर लिया कि उन्होंने अपने घर में हलाल चीज़ों पे गुजारा नहीं करना और उन्होंने बाहर से ही अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। यहाँ पे हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो जेन्युइन लॉयल कपल्स होते हैं, जो कोशिश कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि जी डॉक्टर साहब देखें, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी जो है वो एक्ट ऑफ इंटीमेसी में पार्टिसिपेट करे। और ये जो होती है ये एक जिंदा लाश की तरह होती है, और वो हस्बैंड्स इतने लॉयल होते हैं या बीवियाँ इतना ज़्यादा परेशान होती हैं कि वो हमारे पास क्लिनिक में बार बार ये कंप्लेन लेके आ रही होती हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ दीज ईयर्स मैंने जो फैक्टर्स नोट किए हैं वो ये नोट किए हैं कि ये सब लोग एक दूसरे से बहुत लॉयल हैं और वो वाकई ही वो खवातीन एक्ट ऑफ सेक्स में पार्टिसिपेट करना चाह रही होती हैं, बट उनको कुछ वो पढ़ती हैं नेट पे तो उनको सिर्फ ये समझ आती है कि जी जी पॉइंट जो है ना जी, उसकी स्टिमुलेशन से आपको ऑर्गेज्म हो जाएगा। दैट इज नॉट, और वो भी नहीं होता, वो नहीं हो सकता, बिकॉज उन वो सारे दिन के कामों में फंसी हुई थी। वो उठ के जी उसी हाल में लहसुन अदरक प्याज पुलाव भूनती हुई, बर्तन धो के जल्दी से मियाँ के पास पहुंच गई। ऐसे बॉडी इस तरह से आपकी कोई वेपनरी नहीं है कि वो फौरन से बटन दबाएंगे और वो रोबोट है वो चल पड़ेगी। बॉडी को टाइम चाहिए। आप वार्म शावर लेंगी, आप कपड़े चेंज करेंगी, आप अपने आप को मियाँ के पास बैठेंगी, एक कप चाय या ग्रीन टी बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, मूवी लगाएं, बातचीत करें। ये फोर प्ले इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फोर प्ले, एक दूसरे को पहले टाइम देना, एक दूसरे को के साथ इमोशनली कनेक्ट करना, एक दूसरे को पसंद करना बहुत ज़रूरी है फॉर अ गुड ऑर्गेज्म। अच्छा, अब उसमें विद टाइम 8-10-15 साल या 5 साल की शादी में इतने सारे सानहे गुजर जाते हैं, इतनी सारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं दोनों तरफ से कि वो आपस में ना एक रिजेंटमेंट पैदा होना शुरू हो जाती है दिल में, इसने मेरे साथ यूं किया, इसकी अम्मी ने यूं किया, उसके भाई ने यूं किया। तो मैं आप दोनों साइड से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर दफा करें बातों को, अपने रिलेशनशिप को डैमेज ना होने दें। अगर किसी ने कुछ कहा है और आपके हस्बैंड आपकी साइड प्रॉपर्ली नहीं ले सके, माफ़ कर दें, कोई बात नहीं है। नंबर टू ये है कि बहुत सारी जो हमारी बहनें घरों में बैठी हुई हैं, चूंकि उनकी अरेंज मैरिजेस हो गई थी तो उनको ये लगता है कि पता नहीं हमने अपनी मर्जी से शादी की होती तो हम कितने खुश होते। मैं इस वीडियो के तवसत से आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि आप ऐसी कोई गलत फहमी ना पालें कि अगर आप लव मैरिज कर लेती तो आप बहुत ज़्यादा खुश होती, क्योंकि मेरे सामने तो पिछले इतने सालों में 2 दहाइयों से इतने केसेस आ चुके हैं कि मैं आपको हल्फन ये बात कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं होता। लव मैरिजेस हों या अरेंज मैरिजेस हों, लव बेचारे की भी बुरी हालत हो जाती है जब वो ख़ानदानी मसाइल से, ख़ानदानी पॉलिटिक्स से और इधर उधर के मसाइल से गुजरता है तो लव भी ख़त्म हो जाता है। सो जैसे आप एक जॉब को मेंटेन करते हैं, घर को मेंटेन करते हैं, गाड़ी को मेंटेन करते हैं, अगर आप गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करते तो गाड़ी ख़राब हो जाती है, इसी तरह आपको अपने रिलेशनशिप की भी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अगर आप रिलेशनशिप की मेंटेनेंस में चीज़ों को 1-2-3 करना चाहते हैं तो उसमें यह है कि एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। नंबर टू आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर, चाहे वो हस्बैंड या वाइफ हैं, आप अगर अपने बच्चों को छोड़ के एक और पार्टनर चूज करते हैं जस्ट अज्यूमिंग कि उसमें मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, तो मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा। मैंने यही देखा है क्योंकि हमारे, मेरे पास एटलीस्ट लोग बहुत अपनी अंदर की बातें डिस्कस करते हैं कि जब आप एक चीज़ को छोड़ते हैं ना तो उसमें 10 चीज़ें बुरी थी तो 30 चीज़ें अच्छी थी। जब आप अगली चीज़ के पास जाते हैं वो दूर से लगता है वो 100% परफेक्ट है, लेकिन जब आप करीब जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है यार इसमें तो सारी की सारी चीज़ें ख़राब थी, पहले एटलीस्ट मेरे पास 10 चीज़ें तो अच्छी थी ना। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ को दूर से देख के आपको यही लगता है कि यार वो चीज़ जो दूर पड़ी हुई है या वो जो फैमिली या वो जो कपल है वो बहुत खुश है तो हमें भी कोई ऐसा मिल जाएगा।
और मैं आपको आज इस वीडियो के तवसत से ये भी बताना चाहती हूँ कि 100% कपल्स जो कि आपको बहुत हैप्पी नज़र आते हैं ऑन द इंटरनेट, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक या अपने सोशल सर्कल में, अपने घरों में, जिनके बारे में हम कहते हैं यार ये लोग तो बस हमेशा खुश रहते हैं, इनको तो कुछ होता ही नहीं, पता नहीं यार इन लोगों की क्या राज है। जी राज कोई नहीं है, मैं आपको ये बात हल्फन बता रही हूँ कि राज कोई नहीं है। राज सिर्फ इतना है कि मसले सबके होते हैं, वो आपके सामने अपने अच्छे मोमेंट्स की अच्छी सी गिफ्ट पैकिंग करके उसको प्रेजेंट करते हैं और वो रंडी रोना नहीं रोते और वो हर वक्त आर आर की स्टोरी की बजाय बस अपने अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिखाते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ अ बेटर स्ट्रेटजी रादर देन यू नो यू आर ऑलवेज क्राइंग, यू आर ऑलवेज टेलिंग मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। जो आपके पास अच्छा है उसको अच्छा सा पैक करके दिखा दें। जिंदगी ना इतनी लंबी है ना ही जिंदगी इतनी लंबी चौड़ी है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पे सेक्सुअल वॉयलेंस, फिजिकल वॉयलेंस, फाइनेंशियल वॉयलेंस और इमोशनल वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है और आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है और आप प्रॉपर किसी टर्मोइल में हैं तो आप उसके साथ गुजारा चलाएं। मैं यहाँ नॉर्मल घरों की बात कर रही हूँ जहाँ सिर्फ इस चीज़ का ग्रज कई कई साल तक पाला जाता है कि यार फलाने वक्त इसकी अम्मी ने ऐसे मुझे कहा था ना तो ये मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ था, इसने कहा नहीं नहीं तुम जाके मेरी अम्मी से सॉरी कर लो। तो ये बातें कई दफ़ा हम 5-5 साल तक पकाते रहते हैं और उसका अफेक्ट हमारे रिलेशनशिप पे आ रहा होता है, हमारी इंटीमेसी पे आ रहा होता है, हमारी बातचीत में आ रहा होता है, दूसरे को ताने पड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में फिर ऑर्गेज्म को अवेल करना, ऑर्गेज्म को अटेन करना बहुत मुश्किल है और रोज़ की जो स्ट्रगल है लाइफ की, रिज़्क़ हलाल कमाना एन इबादत है, बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं आज के दौर में। तो उसमें अगर आपने अपने रिलेशनशिप को भी हलाल और सही रखना है तो उसमें दोनों मियाँ बीवी को एफर्ट करनी पड़ेगी। रोज़ की जो कहानियाँ हैं उससे निकल के आप अलहदा से अपने लिए टाइम निकालें, बैठ के गपशप करें, मूवी देखें, फोर प्ले के ऊपर फोकस करें, इंटिमेसी पे फोकस करें, एकदम से आप एक्ट ऑफ सेक्स पे जंप ना करें। जब आप 1-2 घंटे एक दूसरे के साथ बैठते हैं, फोर प्ले करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी फील करते हैं तो उससे मियाँ बीवी का ऑर्गेज्म जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा इस वीडियो में अब हम प्रॉपरली जिन लोगों का इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है या जिन मर्दों का इरेक्शन का प्रॉब्लम है या जिन मर्दों का प्रॉब्लम दूसरे वाले सारे मसाइल हैं जो डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, उनकी इरेक्शन नहीं होती या उनकी टाइमिंग का इशू, वो सब इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसी तरह जो ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा खौफ होता है सेक्स का, वो भी एक अलग से एक कैटेगरी है जिसे हम एक बीमारी का नाम देते हैं और उसका प्रॉपर इलाज है हमारे पास कि वो पेनिट्रेशन नहीं करने देती मियाँ को, इंटरकोर्स नहीं करने देती, तो उसका भी इतना फियर होता है कि वो चीखें मारना शुरू कर देती हैं, वॉमिटिंग शुरू कर देती हैं और वो क्लाइंट्स भी हमारे पास आते हैं। तो उसका भी अलहदा से एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो हम करते हैं और उसके बाद ख़वातीन जो हैं वो आराम से अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर लेती हैं, उसकी एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। बट यहाँ पे आई जस्ट होप कि आई एम वेरी क्लियर कि मैं किन कपल्स को टारगेट कर रही हूँ और मैं किन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। और ऑर्गेज्म की स्टेट जो होती है खातून की, उसमें ये होता है यूजुअली अभी तक जो हमारा स्टेटिस्टिकली जो डाटा हमारे पास है वो ये बताता है कि 99% से तक खावतीन जो हैं उन्होंने कभी, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में उन्होंने 99% औरतों ने कभी ऑर्गेज्म अचीव नहीं किया होता अपनी सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव लाइफ में। और उसकी वजह ये होती है कि यूजुअली मेन दे आर गोइंग टू डिस्चार्ज वेरी अर्ली इन द इंटरकोर्स प्रोसेस और जब वो डिस्चार्ज कर लेते हैं तो दे आर डन एंड दे आर आउट। और औरतें जो होती हैं वो अभी दे आर वेटिंग, वो अभी अराउज हो रही होती हैं, वो अभी दे उनकी बॉडी अभी कोप अप कर रही होती है, उससे पहले ही इंटरकोर्स ख़त्म हो चुका होता है। सो लिहाजा इस सारी इस सूरत हाल में जो मैंने, आई होप जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो यही हैं कि आप अपनी बॉडी को, जब आप एक खातून कहती हैं कि आज मैंने मियाँ को टाइम देना है, आप अपनी बॉडी को साफ रख रही हैं, आप
अच्छे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करी है, साथ बैठने पे एक दो नाइटीज परचेज करने पे, ये सारी चीजें आपके हस्बैंड को रेडी करती हैं और अट्रैक्ट करती हैं फॉर अ गुड फोर प्ले। अब जब आप उनसे कह देंगे कि लाइट ऑफ कर दें, तो फिर बंदे ने फोर प्ले क्या करना है आपके साथ? जब वो फोर प्ले नहीं होगा तो ऑर्गेज्म होने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं। तो बिकॉज औरतों का ऑर्गेज्म जो है वो सारा का सारा इमोशनल होता है, इमोशनल हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। सो यू नीड टू गिव मोर स्पेस टू योर स्पाउस। अब मर्द जो होते हैं, हस्बैंड जो होते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने हमें बनाया है मर्द औरत को, उनकी सेंसरी जो एबिलिटीज हैं, यानी द मेन जो देखते हैं वो उसी से प्यार करते हैं। मेन दे लव विद योर विद देयर आईज। दैट्स व्हाई आई एम्फसाइज अ लॉट कि आप अपना बच्चों के बाद वजन बहुत कम करें। सो यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, अच्छी खुशबू लगी हुई हो, आपने अच्छी नाइटी तो पहनी हुई हो, बॉडी आपकी साफ हो, खुशबू अच्छी आ रही है, आपके बाल साफ हैं, खुश्की नहीं है, डैंड्रफ नहीं है, नौखन और पांव साफ हैं। तो इन सब चीजों से यू आर गिविंग द मैसेज टू योर स्पाउस के आप फोर प्ले के लिए यू आर रेडी टू कॉन्ट्रीब्यूट। और जब आप अपना पार्ट पूरा प्ले करेंगी विद योर पार्टनर, तो फिर उसको फील नहीं होगा कि आप एक जिंदा लाश हैं। और ये कंप्लेन 99% जो कपल्स मेरे क्लिनिक में, या मेरी फीमेल कोलीग्स जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिनके फैमिली टर्म्स बन जाते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, बहुत कॉमन कंप्लेन है। एंड दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ डिमाइस ऑफ सो मेनी होम्स। बहुत सारे घर इस वजह से तबाह हो रहे होते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा ख्वातीन को ये भी बताऊंगी कि जब हमारी बच्चियों की शादियां होने वाली होती हैं, तो यकीन करें मुझे कुछ बहुत रिनाउंड किस्म के पार्लर्स से ये बात पता चली है कि बच्चियों की जिस दिन शादी बारात होती है, उस दिन भी उनके जिस्म पे रीछ की तरह बड़े बड़े बाल होते हैं। और वो लड़कियां बड़ी मुश्किल से आधे बाजुओं की वैक्स करवाती हैं और लहंगा पहन के मेकअप करके माँ बाप उनको भेजते हैं। तो मुझे इस बात की ये समझ नहीं आती है कि हम अपने घरों में अपनी बच्चियों को क्यों नहीं ट्रेन करते हैं। मुझे कई पार्लर्स की जो बच्चियां हैं वो बल्कि इंटरव्यूज देने को तैयार हैं, बिकॉज वो कहती हैं कि ब्राइड उस लड़की ने बनना होता है और उसके बगलों में और अंडर लेग्स में इतने बाल और इतनी बदबू होती है उन बालों की वजह से कि हम लोग जो हैं वो नाक के ऊपर तीन तीन पट्टियां बांध के हम उनकी वैक्स कर रहे होते हैं। और वैक्स भी वो नहीं करवाती अंडर लेग्स अंडर आर्म्स की, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है। तो अभी भी आज के दौर में भी ऐसी शादियां हो रही हैं। और ये मैं किसी छोटे मोटे शहर की बात नहीं कर रही, मैं इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स की बात कर रही हूँ, जहाँ F7, F6, F10, F11, यहाँ के ब्यूटी पार्लर्स की बात कर रही हूँ कि जी लड़कियों की जब हमारे पास दुल्हने बनने आ रही होती हैं, तो दिन में 50 दुल्हने हैं, 30 दुल्हने हैं, उसमें से 25 दुल्हने ऐसी होती हैं जिन्होंने कभी वैक्स नहीं करवाई हुई, उनका कोई मूड नहीं है वैक्स करवाने का, वो सर्विसेज में वैक्स को निकलवा देती हैं और पूरे पूरे उनकी बॉडी के बाल भरे हुए होते हैं और शदीद स्मेल आ रही होती है। बिकॉज ऑफ बाल, जहाँ पे होता है बाल वहाँ पे पसीने को रिटेन करता है, स्वेट ग्लैंड को एक्टिव करता है, वहाँ पे खुश्की बालों वाले पूरा वहाँ पे एक स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, पिंपल्स बनते हैं। तो ये सारी बातें आपकी शादी की इंटेग्रिटी को डिसाइड करती हैं। जब आप अपने खावंद के साथ पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकेंगी एक एक्ट में, तो वो बंदा बेचारा फिर किधर जाएगा? उसने फिर शादी किस मकसद के लिए की है? ये भी एक सोचने की बात है। और मजहबी तालीम बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल भी इस मैं तो बहुत ज्यादा इस हक में हूँ कि बच्चियों को आप कुरान, तफसीर, हर चीज पूरी तफसील से पढ़ाई जाए, हलाल हराम की तमीज सिखाई जाए। लेकिन हलाल को बचाने के लिए भी तो हमारी माओं का, हमारी घर वालों का काम बनता है कि अपने हस्बैंड के पास आपको जाने के कुछ तरीकेकार हैं जो दीन के दायरे में रहते हुए आपने करना है। मतलब मुझे मुझे अच्छी तरह याद है कि पुराने वक्तों में जब खवातीन जो थी वो रात को हस्बैंड के पास जाती थी और वो सुबह उनको सर धोना पड़ता था, तो वो अपने बाल हेयर ड्रायर से खुश करके तमीज से बाहर निकलती थी सुबह नाश्ते के वक्त। उनके घर में बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, किसी को इस चीज का इल्म नहीं होना चाहिए। इस कदर खूबसूरत हमारा कल्चर और हमारी ट्रेडिशंस हैं।
तो इन ट्रेडिशंस के अंदर रहते हुए अगर F7 F6 के एलीट तरीन सलोन्स पे इंतहाई महंगी जहां ब्राइड्स तैयार हो रही हैं वहां पे ऐसी सूरत हाल रिपोर्ट हो रही है, तो फिर आप खुद सोचें कि फिर आपने लाइट ही बंद करवानी है जब आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है। दैट्स वाई आई एम्फसाइज कि आप होम केयर पे तवज्जो दें, घर की केयर पे तवज्जो दें, ट्रीटमेंट जरूर लें, लेकिन पहला काम आपका अपनी बॉडी से खुद प्यार करना है, उसे खुद ख्याल रखना है। महीने में 2 बार बॉडी पॉलिशिंग करें, हर हफ्ते में 2 बार बॉडी स्क्रबिंग करें। इसके अलावा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम बुनियादी बातों पे हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो जो है इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया जाएगा, इसको कोई रिलीजियस या कल्चरल या कोई ऐसा इशू नहीं बनाया जाएगा जिसका मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है फैमिलीज को, मियाँ बीवी के रिलेशन को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो निकाह का रिलेशनशिप है इसके ऊपर शैतान का पहरा है। जैसे ही निकाह हो जाता है शैतान अपनी ड्यूटी बना लेता है कि अब मैंने इस रिलेशनशिप को खराब करना है और इन मियाँ बीवी को मैंने गुमराह करना है और इनको एक दूसरे से दूर करना है। तो इसलिए दोनों पार्टनर्स की ये बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है, ना सिर्फ उनकी बल्कि घर वालों की भी ड्यूटी बनती है कि वो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बच्चों को गाइड करें, उनको सपोर्ट करें, उनको समझाएं, और जहां जहां उनको लैकिंग लगती है। आई होप ये वीडियो आप लोग सब लोगों के लिए बहुत कारामद साबित होगी। एंड ऑर्गेज्म पे हम फर्दर बात करेंगे, बट दीज वर द फैक्टर्स जो मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में, पाकिस्तान के कल्चर में, विच आर अफेक्टिंग द ऑर्गेज्म।